हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन। आज एक बहुत ही अहम सवाल आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं, क्या XRP 2030 तक अगला बिटकॉइन बन सकता है? जी हां दोस्तों, बहुत से क्रिप्टोकरेंसी विशेषज्ञों का अनुमान है कि XRP की $10 तक पहुंचने की क्षमता कम नहीं हुई है। वास्तव में उनमें से कुछ का मानना है कि अगर क्रिप्टो, बिटकॉइन और बाजार में सबसे बड़े अल्टकॉइन एथेरियम के सोने की मानक की तुलना की जाए तो रिप्पल को गोद लेने की समान दर और औद्योगिक लाभ का अनुभव होगा। रिप्पल लेन देन की वर्तमान गति, इसकी सस्ती फीस और चल रही परिस्थितियों के बावजूद रिप्पल की प्रमुख वैश्विक ब्रांडों के साथ साझेदारी की बढ़ती सूची स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि बिटकॉइन या एथेरियम के संबंध में अधिक निवेशक होंगे। हालांकि बाजार की मंदी स्थितियों के तहत निवेशक लगातार अपनी भावनाओं को बदलते रहते हैं। मुख्य धारा के आर्थिक और वित्तीय संघर्ष भी क्रिप्टोकरेंसी की गिरती स्थिति के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा निवेशक पहले से ही भारी मात्रा में धन खो रहे हैं, यही कारण है कि वे अपने वित्त को आरक्षित कर रहे हैं और जोखिम वाली संपत्तियों पर निवेश करने से परहेज कर रहे हैं। XRP में निश्चित रूप से कई वित्तीय संस्थाओं और निवेशकों का विश्वास हासिल किया है। हालांकि XRP को वास्तव में निवेशकों को विश्वसनीय और स्थिर निवेश भविष्य प्रदान करने में अधिक समय लग सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि सरल भाषा में हम कहें तो यदि आप निवेश करने के लिए सस्ती क्रिप्टोकरेंसी की तलाश में हैं तो XRP एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि अगर अदालत में क्रिप्टोकरेंसी के लिए चीजें दक्षिण जा रही हैं तो XRP निवेशकों को अपनी मौद्रिक फंडों को भारी झटका देने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी तरह से उन्हें हमेशा बाजार की भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। बाजार में बदलते उतार चढ़ाव इस बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि भविष्य में एक क्रिप्टो कैसा प्रदर्शन कर सकती है, और वही XRP के लिए भी मान्य है। अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं। ये खबरें ऑनलाइन के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या XRP 2030 तक अगला बिटकॉइन बन सकता है? इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।